डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास फिफ्थ से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। आपको यह बताना है कि प्रत्येक कार्बन में इनमें से जितने भी यौगिक आपको दिए गए हैं, इनमें कार्बन की संकरण अवस्था क्या है। हर एक कार्बन में आपको यह बताना है। तो देखिए, जब भी आप संकरण कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट आपको पहले बता दूं, तो उससे आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। देखिए, अगर पहली बात तो कार्बन क्या करता है, वो चार बंद बनाता है। कार्बन क्या करता है, चार बंद बनाता है। अब अगर वो चार सिंगल बंद बनाता है, तो फिर वो हम उन बंद को सिग्मा बंद कहते हैं। तो ये सिग्मा हो गया, दूसरा सिग्मा, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। मान लेते कि कार्बन ने मेथेन बनाया और मेथेन में चार हाइड्रोजन के साथ बंद बनाया, तो इस पर चार सिग्मा बंद बन गए। अगर कार्बन चार सिग्मा बंद बनाता है, तो उस पर संकरण sp3 संकरण होता है। अगर कार्बन चार सिग्मा बंद बनाता है, तो उस पर संकरण कैसा होता है, sp3 होता है। अब ये चार बंद दूसरी तरह से भी बना सकता है। जैसे मान लो कार्बन ने क्या किया है, एक द्विबंध बना लिया और दो जो है वो सिंगल बंद बना लिए, एक सिग्मा बंद बना लिए, ये सिग्मा बंद बना लिया और ये डबल बॉन्ड बना लिया, द्विबंध बना लिया। अब अगर वो डबल बॉन्ड बना लेता है कार्बन, मान लीजिए कि किसी दूसरे कार्बन के साथ बना लिया, या फिर किसी दूसरे परमाणु के साथ भी बना सकता है। जैसे मान लो कि इसने ऑक्सीजन के साथ में बंद बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। कार्बन ने चार बंद बनाए, चार में क्या किया, इसने दो तो सिंगल बंद बना लिए किसके, हाइड्रोजन के साथ में, यहाँ पर भी सिंगल बंद। सिंगल बंद को हम नाम देते क्या है, सिग्मा बंद। क्या नाम देते हैं, सिग्मा बंद। तो यहाँ पर सिग्मा बंद बना लिए, ठीक है ना, या फिर हम इसको कहते हैं एकल बंद। सिंगल बंद को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, एकल बंद। तो एकल बंद भी कहते हैं, या फिर हम इसको सिग्मा बंद भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, द्विबंध बना लिया, इसने क्या किया, द्विबंध बनाया। तो जो द्विबंध बनाया उसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है और दूसरा कौन सा होता है, पाई बंध होता है। तो इस वाले कार्बन ने चार बंध बनाए, जिसमें से दो बंध उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए, एक एक, और दो बंध, और दो बंध उसने कार्बन के साथ बनाए, या फिर दूसरा बंध ऑक्सीजन के साथ बनाया। यहाँ पर भी इसके पास द्विबंध अगर बनाता है, तो द्विबंध में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। अब अगर कार्बन एक सिग्मा बंद बनाता है, एक डबल बंद बनाता है, अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर संकरण इसका हो जाता है sp2। तो यहाँ पर इसका संकरण जो होगा sp2, चाहे वो इसमें भी एक द्विबंध बनाया है, इस वाले में भी एक द्विबंध बनाया है, तो संकरण इसका क्या हो गया, sp2 हो गया।
इसके बाद कार्बन क्या करता है, चार बंद दूसरी तरह से भी बना सकता है, जैसे कि उसने एक हाइड्रोजन के साथ बंद बना लिया और इसने तीन बंद बना लिए मान लो दूसरे कार्बन के साथ में। अब इसने क्या बना लिया, त्रिबंध बना लिया, इसने क्या बना लिया, त्रिबंध बना लिया। अब त्रिबंध अगर ये बना लेता है, कार्बन जो है उसने क्या किया, त्रिबंध बना लिया, इस कार्बन ने क्या किया, त्रिबंध बना लिया, ठीक है ना। अगर ये त्रिबंध बना लेता है तो त्रिबंध बनाने पर इसमें क्या होता है, एक जो होता है वो सिग्मा बंध होता है और ऊपर और नीचे जो होते हैं वो पाई बंध होते हैं। यानी कि त्रिबंध में अगर तीन बंध की बात करेंगे तो तीन बंध में एक सिग्मा हो जाएगा और दो पाई हो जाएंगे। अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पर ये चार सिग्मा बनाएगा, ठीक है ना। तीन बंद अगर कार्बन बना रहा है एक ही परमाणु से कार्बन तीन बंद बना रहा है तो उसमें एक सिग्मा दो पाई होंगे, और एक ही परमाणु से कार्बन दो बंद बना रहा है तो उस केस में उसमें दो बंद बना रहा है तो उस केस में उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, ठीक है ना। अगर कार्बन दो बंद बनाता है तो उसमें संकरण sp2 होगा, अगर कार्बन सिंगल बंद बनाता है sp3 होगा, और अगर कार्बन ट्रिपल बंद बनाता है तो उस पर sp संकरण होता है। तो यहाँ पर कार्बन पे क्या हो जाएगा, sp संकरण हो जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं है, ठीक है ना। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में फिट है तो फिर अब हम यहाँ पर देख लेंगे और सारे कार्बन के संकरण आपको पता चल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम पढ़ चुके, ये कंडेंस फॉर्म दी गई, इसको क्या कहते हैं, संघनित। इसमें बंद को क्या किया, कंप्रेस कर दिया, दबा दिया है, तो हम इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। चलो हम इसको भी खोलते हुए चलते हैं सर, हर एक यौगिक को हम ओपन कर लेंगे, इस तरह बंद के फॉर्म में ले आएंगे और उसके बाद फिर हम उसको देख लेंगे, सही है ना। ठीक, देखो यहाँ पर इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हमने क्या किया, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगा दिए। हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से वो एकल बंध ही बनाते हैं। तो जब वो एकल बंध बना रहे हैं तो फिर इसका मतलब इस पर सिग्मा बंध हो गया, ये सिग्मा बंध हो गया, ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। उसके बाद इसने देखो ये वाला हमने कंप्लीट कर दिया CH2। अब इसके बाद क्या आ गया, द्विबंध आ गया, तो द्विबंध आ गया तो द्विबंध बना लिया। द्विबंध में तुमको समझ में आता है, एक सिग्मा होता है, क्या होता है, पाई होता है, ठीक। उसके बाद वो इस कार्बन से बना रहा है, ये कार्बन हो गया। उसके बाद इसने भी द्विबंध बना लिया तो ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक सिग्मा एक पाई होता है। यहाँ पर देखिए एक कंडीशन और बता दें आपको, अगर कार्बन दो द्विबंध बनाता है, अगर एक ही कार्बन दो द्विबंध बनाता है तो एक सिग्मा हो गया एक पाई हो गया, एक सिग्मा हो गया एक पाई हो गया। कितने इस कार्बन पे पाई हैं, दो पाई हैं। यहाँ पर भी कितने थे, दो पाई थे। तो इस कार्बन पर संकरण जो होता है वो क्या हो जाता है, sp हो जाता है। अगर एक ही कार्बन दो द्विबंध बनाता है, अगर एक ही कार्बन दो द्विबंध बनाता है तो उस पर क्या संकरण होता है, sp संकरण होता है। और अगर एक कार्बन तीन जो है बंद बनाता है तो वो जो होता है उस पर भी संकरण sp होता है। यहाँ पाई जो होते हैं कितने, दो होते हैं। यहाँ पर भी पाई कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है ना। इस कार्बन की बात अगर करो तो इसने दो सिग्मा और दो पाई बनाए। अगर इस कार्बन की आप बात करोगे तो इसने दो सिग्मा, देखिए ये वाला सिग्मा बंद है, ठीक है, ये वाला सिग्मा बंद है, तो दो सिग्मा और दो पाई बनाए। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जैसी ही कंडीशन है। इस वाले कार्बन पर देखिए जरा, दो सिग्मा और दो पाई, समझ आ रहा ना। यहाँ वाले इस वाले कार्बन पे देखो जरा, दो सिग्मा और दो पाई, ठीक है ना। तो इसकी वजह त्रिबंध जैसे, यानी संकरण इस पर क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो यहाँ पर भी sp संकरण होता है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया भाई, इस वाले का एक, इस कार्बन ने एक ही डबल बॉन्ड बनाया, जब एक डबल बॉन्ड बनाया तो संकरण क्या हो गया, sp2 हो गया। इस वाले कार्बन ने दो डबल बॉन्ड बनाए, तो जब दो डबल बॉन्ड बनाए तो संकरण क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ऑक्सीजन का हमको पूछा नहीं तो इसलिए ऑक्सीजन बताना नहीं है, कार्बन का ही सिर्फ पूछा है। तो यहां पर कार्बन पे sp2 और sp संकरण हो जाएगा, ये समझ में आ गया। चलो अब जरा इसको खोल लो, इसको खोलने के पहले जरा इसको खोल लेते। देखो यहाँ पर CO लिखा है तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ऑक्सीजन के बाहरी कोष में छः इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको आठ कंप्लीट करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इस वजह से वो दो बंद बनाता है। तो ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ दो बंद बना लिए, लेकिन कार्बन तो चार बंद बनाता है, तो इसका मतलब है कि दो बंद इसके खाली हो गए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि दो बंद हमने यहाँ पर एक बंद बना दिया, एक बंद ये बना दिया। अब देखो इससे क्या लगा, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए, इससे दो मिथाइल समूह लगे हैं। तो अब मिथाइल लगा दिया तो देखो ये कार्बन लग गया, ये कार्बन लग गया। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे, तीन हाइड्रोजन, तो ये कार्बन भी चार बंद बनाएगा, इसी वजह से इस पर तीन हाइड्रोजन लगे। ये वाला कार्बन भी चार बंद बनाएगा तो इसी वजह से इस पर तीन हाइड्रोजन लगे हैं,
ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये कार्बन पे दो मिथाइल लग गए और डबल बॉन्ड वो लग गया, यानी इसका बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो है, बंद वाला संरचना जो है वो ये वाला हो जाएगा, सही है ना। सही, अब हमको हर एक कार्बन पे संकरण देखना है कि क्या है। तो देखो ये वाला कार्बन क्या कर रहा है, चार सिग्मा बनाता है। तो जब भी कोई कार्बन चार सिग्मा बनाता है तो उस पर संकरण क्या होता है, sp3 होता है। यानी इस कार्बन पे संकरण हो गया क्या, sp3 हो गया। ये वाला कार्बन भी चार सिग्मा बंध बना रहा है, इस कार्बन पे भी संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। लेकिन ये वाला कार्बन एक द्विबंध बना रहा है, और जब ये कार्बन एक द्विबंध बनाता है तो इस पे संकरण क्या होता है, sp2 होता है। तो यहाँ पर संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले यौगिक में दो sp3 संकरण वाले कार्बन होंगे और एक sp2 संकरण वाला कार्बन हो जाएगा। आ जाओ अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये मेरे पास कार्बन है, ये कार्बन इससे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बंद बनाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कोश में, तो एक ही बंद बनाता है, ठीक। उसके बाद ये कार्बन डबल बॉन्ड बना, अब देखो CH2 बना दिया मैंने यहाँ, अब ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, तो इसने डबल बॉन्ड बना लिया इस कार्बन के साथ, ठीक। अब इस कार्बन पर ये हाइड्रोजन लगा है तो ये हाइड्रोजन लग गया सिंगल बंद से। अब कुछ और खाली हुआ, हाँ भाई देखो तीन ही बंद बनाए हैं, तो इसका मतलब एक बंद खाली है, तो जो एक बंद खाली वो इससे बन जाएगा कार्बन से, और कार्बन पर नाइट्रोजन लगा हुआ तो ये नाइट्रोजन से बन जाएगा। अब ये कार्बन भी चार बंद बनाएगा, ये कार्बन भी क्या होगा, चार बंद बनाएगा, क्योंकि हर एक कार्बन की टेंडेंसी है कि वो चार बंद बनाता ही बनाता है दूसरे से। तो इसने क्या किया, एक बंद तो बना लिया इसके साथ, इसने एक बंद तो इसके साथ, तो नाइट्रोजन के साथ कितना बनाएगा, तीन बंद। क्या नाइट्रोजन के अलावा और किसी से बंद बनाएगा, ना कोई बचा ही नहीं भाई, इसके आगे कुछ और है जिससे कार्बन बंद बनाए, ना कुछ है ही नहीं। तो तीनों के तीनों बंद किससे बन जाएंगे, नाइट्रोजन से बन जाएंगे, ठीक है ना। नाइट्रोजन भी तीन बंद बनाता है, क्यों बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, सात, तो 2 5, बाहरी कोश में पांच इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसको तीन इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसके पास क्या हो जाएगा, आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसकी वजह से नाइट्रोजन कितने बंद बनाता है, तीन बनाता है। तो कार्बन अपने तीनों इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन के साथ में बंद बना लेता है। अब ये हमारे पास बंधित संरचना जो है बिल्कुल ओपन होके आ गई है। चलिए हम इन पर संकरण देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये कार्बन क्या कर रहा है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है। तो जब एक कार्बन जो होता है वो एक डबल बॉन्ड बनाता है तो उस पर संकरण क्या होता है, sp2, तो इस पर sp2 हो गया। इस वाले कार्बन को देखें तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना रहा है और इधर पे कुछ और नहीं, डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, और एक ही डबल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर भी संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ये वाले कार्बन पे देखें तो ये क्या कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, और जब ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जब कार्बन त्रिबंध बनाता है तो संकरण sp होता है, यानी इस वाले कार्बन पे संकरण क्या हो जाएगा, sp संकरण हो जाएगा। इस तरह से इस वाले यौगिक में दो तो sp2 वाले होंगे कार्बन और एक sp संकरण का कार्बन होगा। ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना। अच्छा अब आ जाओ इसको जरा खोल ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए C6H6 है, इसका मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH का होल सिक्स, इसको हम CH का होल सिक्स भी लिख सकते हैं, मतलब कि एक कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो बंद बना रहा है, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं। तुमको याद आ रहा है कि ये संरचना जो है, ये सूत्र जो होता है वो किसका होता है, बेंजीन का होता है, किसका होता है, बेंजीन का सूत्र होता है। तो चलो हम यहाँ पर संरचना इसकी बना दें। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन है, उससे एक हाइड्रोजन लगा दिया, इसके बाद में सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये सब कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, इससे एक हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है, देखना छह कार्बन है, छहों पे एक हाइड्रोजन लगा, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन लगा, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन लगाए, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन लगाए, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन लगाए, और फिर ये इससे जुड़ा हुआ है, यानी एक ऐसा चक्रीय यौगिक है। परंतु कार्बन जो होता है वो कितने बंद बनाता है, चार। क्या यहाँ पे सारे के सारे चार बंद बन रहे हैं, चलो देख लेते हैं। कार्बन देखें तो ये कार्बन एक दो तीन बंद बना रहा है, मतलब चार बनाने के लिए अब इसको इस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, सही है ना। तो इस कार्बन के कितने बंद हो गए, एक दो तीन चार, चार बंद हो गए। चलो भाई इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के एक दो तीन चार बंद हो गए, सही है। इस वाले कार्बन के तो एक दो तीन बंद हुए, इस वाले कार्बन के एक दो तीन बंद हुए, ये भी चार बनाएगा, तो चार बंद यानी कि इसके साथ डबल बनाएगा। अब इस कार्बन के एक दो तीन चार बंद हो गए, इस वाले कार्बन के देखो जरा, एक दो तीन चार बंद हो गए, सही है। इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को देखो, एक दो तीन बंद ही बना रहा है, यानी कि ये क्या करेगा, द्विबंध बनाएगा इसके साथ में,
ठीक है ना। तो अब इस वाले को देखो, एक दो तीन चार हो गए, इस वाले को देखें एक दो तीन चार हो गए। सभी कार्बन पे अगर आप देखो तो अब सभी कार्बन ने चार बंध बना लिए हैं, जो कि कार्बन बनाता ही है। बात समझ में आई ना? ठीक है ना, ये ठीक। अच्छा अब यहाँ पर तुमको समझ में आ गया कि इस कार्बन ने कितने द्विबंध बनाए, एक, तो इसमें संकरण कितना है sp2। इस वाले कार्बन ने कितना बंध द्विबंध बनाया, एक, तो इसमें sp2। इसने कितना द्विबंध बनाया, एक sp2। ये वाले ने भी एक sp2। इस वाले ने कितना बनाया, एक sp2। इस वाले ने कितना बनाया, एक sp2। यानी सभी कार्बन पे sp2 संकरण हो जाएगा और सारे के सारे कार्बन जो होंगे वो sp2 संकरण वाले हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि बेंजीन में सारे के सारे कार्बन जो हैं वो एक डबल बॉन्ड बनाते हैं, इसकी वजह से उन पर संकरण जो होता है वो क्या होता है, sp2 संकरण होता है। ठीक है ना, इस तरह से हमको संकरण समझ में आ गया कि सबको हमने किस तरह से संकरण किया। ठीक है।